रोहित वी का है, ये ट्विटर से हमारे पास सवाल आया है आपके लिए। वो आपसे जानना चाहते हैं कि एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म, मान लीजिए 20-30 साल तक के लिए अगर कोई स्टॉक्स खरीदने हो, तो वो क्या एक वाइज स्टेप होता है आज के स्टेज में, जब टेक्नोलॉजी चेंजेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं, पॉलिसी चेंजेस इतने ज़्यादा हैं और कंप्लायंस रिलेटेड इशूज़ कब आ जाए वो बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल है, तो ऐसे में लंबे समय तक के लिए स्टॉक्स को होल्ड करना कितना सही रहेगा? रोहित भाई, जब आप टेस्ट मैच में खेलने उतरते हैं तो आप हमेशा लंबी इनिंग की सोचते हैं। अब ऑब्वियसली गेंद कभी तेज आती है, कभी स्पिन आती है, कभी बाउंसर आती है, कभी यॉर्कर आती है, कभी पिच भी बदलती है। सुबह की पिच पे ऑन्स ज्यादा रहती है तो स्विंग करती है, दोपहर की पिच थोड़ी स्विंग करती होगी, स्पिन करती होगी। सो आप अपनी इनिंग तो लॉन्ग टर्म के लिए ही खेलते हैं और जैसे पिच बिहेव करती है, जैसे गेंद आती है, उस हिसाब से रन बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप इन्वेस्ट स्टॉक में लॉन्ग टर्म व्यू से करिए, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप गेंद के ऊपर से नजर हटा दें। आपको हर समय इन सारे फैक्टर्स का एनालिसिस करना पड़ेगा और फिर उस एनालिसिस के हिसाब से अगर कुछ एडजस्टमेंट करना है तो वो भी करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।